कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि शॉर्टकट में खाना बन जाए, ऐसे में आप क्या ढूंढते हैं, मैगी, पास्ता। लेकिन हमारे उत्तराखंड ट्रेडिशन में भी बहुत सारे ऐसे शॉर्टकट डिश है जो बहुत जल्दी बन जाते हैं। उसी में से एक डिश है कपुल, कहीं पर इसको छंचा बोलते हैं, कहीं पर पल्यो, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश मक्की, दाने मैंने यहाँ पर अलग कर दिए हैं। उसके बाद एक मिक्सी जार में 6 से 7 लहसुन की कली और साफ धुले हुए मक्की के दाने, साथ में हमें कुछ हरी मिर्च भी चाहिए। हरी मिर्च आप टेस्ट अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा पेस्ट हमने तैयार करना है, हमें ज़्यादा पतला पेस्ट इसका नहीं चाहिए। कपुल या छंचा एक प्राचीन डिश है जो खासकर हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में लगभग हर जगह बनाई जाती थी, लेकिन अब शायद ही कुछ लोग इसको बनाते होंगे। इसको बहुत सी चीज़ें जैसे चावल, मुंगरी या मक्का, झंगोरा जिसको बार्नयार्ड मिलेट हम बोलते हैं, इससे बनाते हैं। इसके लिए हमें साथ में चाहिए बटर मिल्क जिसको हम छाछ बोलते हैं। अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप इसमें दही को फेंट कर भी इसका यूज कर सकते हैं। बटर मिल्क ज़्यादा खट्टा नहीं है इसलिए मैंने इसको पूरा यूज कर लिया है, इसके साथ मैंने पानी ऐड नहीं करा है। अगर आपके पास दही ज़्यादा खट्टी है या बटर मिल्क ज़्यादा खट्टी है तो आप उसके साथ पानी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर लोहे की कढ़ाई लेनी है, उसमें हमने पूरा बटर मिल्क डाल देना है और उसमें जो भी हमने गाढ़ा पेस्ट यहाँ पर तैयार किया था उसको हम डाल देंगे। कहीं पर इसको छंचा इसलिए बोला जाता है कि ये छाछ से बना होता है। चावल, झंगोरा, मक्का, इनका स्टार्च लेवल ज़्यादा रहता है इसलिए इसी से ये बनाया जाता है। इनमें प्रेजेंट स्टार्च पकते समय इसमें थिकनेस का काम करेगा। इसमें हम मसाले कुछ नहीं डालेंगे, बस एक नमक और हल्दी इसमें डालेंगे। नमक मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच लिया है, आप अपने टेस्ट के अनुसार इसमें नमक ले सकते हैं, और हल्दी यहाँ पर 1 चम्मच काफ़ी है। मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाना है और साथ साथ हमने इसको चलाते भी रहना है। जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसको पकाते रहेंगे और साथ में चलाते भी रहेंगे। वैसे तो देखा जाए ये एक तरह की कढ़ी ही है जो कि मक्के के दानों से बनाया जाता है, इसमें बेसन का यूज नहीं किया है। हमारे उत्तराखंड के पहाड़ों में पहले कभी कोई भी कढ़ी में बेसन का यूज नहीं किया जाता था। उत्तराखंड के पहाड़ी लोग जो भी 40 साल से ऊपर के होंगे उन्होंने कभी न कभी तो कपुल खाया ही होगा, और शायद ही आप कभी खाते होंगे, लेकिन उनको ये जरूर पता होगा कि कितना ये टेस्टी और कितना हेल्दी ये बनता है। इस रेसिपी को देख के उनको अपने समय की याद जरूर आएगी जब कभी उन्होंने इसको बनाया होगा या खाया होगा। थोड़ा पकने के बाद अब इसमें कलर भी चेंज हो गया है। 5 से 10 मिनट के बाद इसमें हल्की सी थिकनेस भी आने लगेगी, उसके बाद गैस ऑफ करके आप इसको ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद थोड़ा और गाढ़ापन इसमें आ जाएगा। ठंडा या गर्म आपको जैसा भी अच्छा लगता है आप वैसे ही इसको ले सकते हैं। खाने में ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है क्योंकि इसमें बटर मिल्क तो यूज किया ही है, साथ में मक्की के दाने इसमें यूज किए हैं और एक्स्ट्रा कोई मसाला भी नहीं यूज किया। ये थी हमारी आज की नई रेसिपी जो कि मक्की के दानों से बनाया हुआ कपुल है। जितना जल्दी ये बन के तैयार होता है उतना ही ज़्यादा ये स्वादिष्ट भी होता है और उससे कई ज़्यादा ये हेल्दी भी होता है। आप भी इसको एक बार जरूर ट्राई करिए और अपनी हेल्दी डाइट में इसको शामिल कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।